नमस्कार। कल एक दुखद खबर जिस तरह से आपने देखा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हो रही थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम संजीव बनोत्रा था, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उसी के दौरान उन पर हादसा हुआ और कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनी। उसी के चलते जब उन्हें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया तो यहाँ आकर उनकी यानी कि ये कहेंगे मृत्यु होगी। उसी के चलते आज परिजन यानी कि गुस्से में है, रोष में है, समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर रोड पर है, जहाँ पर लोगों द्वारा, उनके परिजनों द्वारा यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया। क्योंकि अब जब बात यह है कि जहाँ पर कहीं अगर काम किया जाता कोई कर्मचारी या मजदूर, ये जिम्मेदारी उस फैक्ट्री की, उस कंपनी की होती है कि जहां पर वो काम कर रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। पर अब वो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कही जा रही है यहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर। इसमें बात चली, इनकी पत्नी है, आप वाइफ है उनकी, क्या हुआ पूरी बात बताइए आराम से। पता नहीं, कुछ नहीं पता चला, ये मर्डर केस लगता है। किस काम में, किस फैक्ट्री में काम करते हैं, नाम बताइए। मुझे ये नहीं पता कि वर्धमान वालों की दूसरी फैक्ट्री थी कोई, पता नहीं क्या नाम था उस फैक्ट्री का, वहाँ पे काम करते थे। लेकिन साल हुए थे काम करते, पहले भी करते थे, लेकिन अब हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे काम वहाँ पे, तो अचानक वहाँ से न्यूज आई कि वो गिर गई है छत से। लेकिन वो गिरे नहीं है, लेकिन उनको गिराया गया है या मारा गया है, वो उनको कुछ नहीं, सिर्फ पीछे से हिट किया हुआ है सिर को और कुछ नहीं है। और कपड़े लेके भाग गए वहाँ से, और फोन भी लेके भाग गए कहीं ना। आपके हस्बैंड का? हाँ जी, कोई रिपोर्ट करवाए तो वो लड़के पकड़े गए वहाँ से, लेकिन अब बता नहीं रहे कुछ भी आगे। एक्चुअली 3:30 बजे उनका कॉल आता है, उनके छोटे ब्रदर का बर्थडे था, मेरे मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ, तो उनका 3:30 बजे कॉल आता है। इतने खुश थे, मम्मा को बोला मैं खाना बनाऊँ, अच्छा मैं शाम को आऊँगा, भाई को बर्थडे विश किया। आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया, 4 बजे उनके साथ ये हादसा हो गया, जबकि उस समय वो ऑफ पे थे, उनका टाइमिंग नहीं था वहाँ जाने का। वो गए जब ये हादसा, उन्होंने जब उस पार्ट पर गए, ये मेरे ब्रदर गए हैं वहाँ पे, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, उनका ये सिर खुला हुआ है, बाकी आप बोलो कहीं पे नहीं। और अगर 4th मंजिल से कोई इंसान गिरता है तो उसको कहीं पे तो हिट होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक मतलब लाइन जैसी थी, और उनको सर पे बहुत ज्यादा लगी हुई थी। और जब उनको हॉस्पिटल लाया गया, उन्होंने यहाँ पे आके इन्फॉर्म किया, डॉक्टरों ने यहाँ पे आके उनकी पल्स चल रही थी, पहली बात तो चेक नहीं किया। जब उन्होंने चेक किया, उनका काफी ब्लड वो लॉस हो चुका था, तो जब उन्होंने चेक किया तो काफी टाइम के बाद चेक किया, उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ये खुद नर्स है, इन्होंने जब देखा उनकी पल्स चल रही है, इन्होंने शोर किया कि पहले जिंदा थे, डेड डिक्लेयर करने के बाद हाँ, फिर उनकी दूसरी फाइल बनी गई। उसके बाद जो लड़के यहाँ पे लाए थे, उनके जो ब्लड वाले कपड़े थे, उनका फोन, उनके जूते, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे छोड़ के उनका सब कुछ लेके भागे। तो ऑनर पहले, कल से हम भी उसके साथ कॉपरेट कर रहे थे, ऑनर बोलता मैं आ जाऊंगा, कल आऊंगा मैं जाम पे। ऑनर का कौन, ऑनर का नाम मैं जाम, कौन सी कंपनी में काम, ये कोई वर्धमान वालों की दूसरी कंपनी बन रही है, राजेश जैन करके कोई कंपनी है। यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रॉड डेड, पल्स चल रही है उसकी, ये ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। लापरवाही देखिए यहाँ पर, ये लापरवाही देखिए, होगा जो बचेगा यहाँ पे, कोई किस्मत वाला ही होगा जो यहाँ पे बचेगा, अदरवाइज ये गवर्नमेंट मॉर्चरी कॉलेज है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जैसा नाम वाला कुछ भी नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ब्रॉड डेड देख रहे हैं आप, जरा यहाँ पर कॉपरेट कर रहे थे कल, हमें पूरा राइट है, हमारा बच्चा गया है, अगर आप हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हो तो आज आप आए क्यों नहीं, हमें बोलते आ जाएंगे कल आएंगे। आज अभी वो हमें थ्रेट दे रहा है, जो मालिक है बोलता आपने जो करना है कर लो, मैं नहीं आने वाला हूँ। और जो यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा SHO है, उनको पूरा राइट बनता है, थाने में क्यों बिठाया हुआ है, आप यूनिफॉर्म डाल के बैठो, क्या आपके सीने में दिल नहीं, हमारे घर का बच्चा गया है, ऐसे उनके घर का गया होता उनको पेन होती। तो वो पहले कॉपरेट कर रहे थे, अभी बोलते हैं वो ना उनको अरेस्ट कर रहे ना कुछ, अभी वो बोलता है हम आपको कोर्ट में मिलेंगे, आपने जो करना है कर लो। क्या इंसाफ से हमें पता चलना चाहिए, एक बेबी है, हमें पता चलना चाहिए ना, आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया उनकी डेथ का, हमें पता चलना चाहिए, हमें पूरा राइट है हमारे बच्चे की डेथ का जानने के लिए। सुराग है बेटे को, इधर गले में सुराग है, आने वाले वही थे जी, पापा उनके बीमार रहते हैं। आप देखिए छोटा बच्चा है, शायद उसे पता भी नहीं है कि इसके पापा इस दुनिया में नहीं है। और ये जिसकी डेथ हुई उनके फादर की हालत देखिए, जरा देखिए उनके पिता की हालत देखिए, ये हालात है। और ये एक, और इस समय जो बाहर से तो आए, माना कि उनकी जो घटना हुई है, पर हॉस्पिटल की यहाँ पर आकर देखिए लापरवाही, यानी एक व्यक्ति जिसकी सांसें चल रही हैं पर वो कहते हैं कि वो ब्रॉड डेड वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। खुद सोचिए, ना जाने कितने ऐसे लोगों की इसे ही जाने चली जाती होगी। चलिए इनके पिताजी इनसे जानते हैं,
सर आप पिताजी हैं उनके भैया के, कितनी देर से काम कर रहे हैं? तो दो ढाई साल से कर रहा था वहाँ पे, दो ढाई साल से काम कर रहा था वो वहाँ। उसको पाँव में पड़ी हैं प्लेटें, वो बोलते हैं ऊपर छत से गिरा है वो 35-40 फुट, वो इतना ऊपर वो चढ़ नहीं सकता। पहले अगर बाई चांस जो चला भी गया उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रस्सा वगैरह कुछ हो, वो 40 फुट के ऊपर से वो नीचे गिर रहा है। पर उसके शरीर में पूरे नील पड़े हुए हैं ऐसे, तो हमें यही शक है कि उसको वो गिरा नहीं है, उसको किसने गिराया गया है। जो मालिक है, जिस मालिक की कंपनी में काम करते वो आके पास आए मिले बात? वो नहीं, उनका फोन आया था, वो बोलते हैं आप हमसे कंपनसेशन ले लो, MLC नहीं लगवाना आप, तो आज हम कहते हैं हम सुबह 9 बजे आपको मिलेंगे। अब वो बोलते हैं, हम उनको बोला भाई आप आए नहीं है, हमने बेटे का संस्कार करना है, उसका पोस्टमार्टम करवाना है, तो कहते हैं हम कोर्ट में कर लेंगे, हमने नहीं आना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और बड़े काम है, जो करना कर लो, उन्होंने ये बोला था, हम नहीं आएंगे। देखिए साफ तौर पर इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर के आपको दृश्य बता रहे हैं। एक व्यक्ति, एक परिवार का सदस्य गया, एक बेटे का पिता गया, एक पत्नी का पति गया और एक बाप का बेटा गया, यानी उनके बुढ़ापे की सहारी सहारे गया। क्योंकि ये पहला केस नहीं है, एक और केस कुछ दिनों में इसका खुलासा होगा कि जब कोई भी कंपनी वाले या फैक्ट्री वाले काम पे हायर करते मजदूरों को, पूरी तरह से उनका रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता या उनकी कंपनी रजिस्टर नहीं होती, क्योंकि कल को अगर कोई हादसा होता उन्हें कोई जवाबदेही ना हो। और उससे भी बड़ा काम ये होता है कि पुलिस का एक दायित्व रहता है कि जो सही है उसको सामने लेकर आए, और कहीं ना कहीं ढील दिखाई जाती है ऐसे केसों में, तो तभी लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरते हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के जो दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल से लगातार ये खबर वायरल हुई। और पत्नी का हाल देखिए, जिस पत्नी का, उनकी खुद की भी उम्र अभी छोटी है और बच्चा छोटा है, और जो उनके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो आखिर किस तरह से ये सारा जो खामियाजा है, यानी कि जो इनकी ये कहा गया कि मालिक जो है, मालिक फॉर ग्रांटेड लेते हैं किसी की जान को, यानी आप हायर करते हो किसी को काम के लिए, पर उनकी जिम्मेदारी जान की आपकी नहीं, आपको सिर्फ काम से मतलब है। और अब इनका कहना है जो मालिक है वो पहले कह रहे थे मिलेंगे, उसके बाद अब वो कह रहे जाओ अब कोर्ट में आपको देख लेंगे, यानी आप कोर्ट में देख लेना। इस समय के दृश्य, इस समय लाइव दृश्य आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जब वहां से बड़ी ब्राह्मणा से उस व्यक्ति को यहां पर लाया जाता है और यहां पर उन्हें ब्रॉड डेड किया जाता है, यानी बिना चेक किए हुए, ये लापरवाही नहीं तो और क्या, ना जाने और कितने मरीजों के साथ ऐसा होता होगा कि बिना चेक के ही आप उन्हें ब्रॉड डेड कर देते थे। और उसके बाद अभी देखिए पुलिस अभी ने यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और इस समय के दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं, ना जाने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस तरह के कितने केसेस होंगे कि बिना जांच किए उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये लापरवाही साफ तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नजर आ रही। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर के, जो आज किसी के परिवार का फिर से एक बार सदस्य गया है, और आज लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और आज परिवार जनाब देखिए, बच्चा छोटा, बच्चे छोटे का चेहरा देखिए, ये है बच्चा जिनकी, जिनके पिता इस समय इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे पिता का साया हमारे सर से उड़ चुका है। और ये चाहते हैं आखिर क्या कारण रहा होगा उनकी मौत का, वो पता चले। वो करने की कोशिश भी जो है वो करते हैं। तो
और इस समय लोगों ने जो कि रोष में आकर यहाँ पर रोड ब्लॉक किया। संजीव मल्होत्रा की जिस तरह से कल मृत्यु होगी, काम के दौरान वो मजदूरी करते थे किसी इनका का किसी फैक्ट्री में और वहीं पर उनकी यानी कि खबर आती है कि वो इस समय गिर गए हैं। और इनका परिवार वालों का कहना कि सत्य सामने आया कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या था। उसी के चलते जो ऑनर है उस फैक्ट्री के कहते हैं कि वो भागते नजर आ रहे हैं और पहले कहते थे हम आपसे बात करेंगे तो उसके बाद कहते हैं कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। यानी किसी के घर का सदस्य गया जनाब, एक बच्चे का पिता उसके सर से उठ गया, एक पत्नी का ताज उसके सर से चला गया और उसी के चलते इस समय के जो दृश्य हम आप बता रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और इंसाफ की गुहार लगा रहा है ये परिवार परिजन आज यहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो यहाँ पे बताना चाहिए लापरवाही कि जब उनको बड़ी ब्राह्मणा से यहाँ पर लाया गया तो मेडिकल कॉलेज के जो अंदर स्टाफ है उन्होंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी बिना चेकिंग किए हुए। और आधे घंटे के बाद उन पर वो कवर भी दे दिया जो मृत्यु के बाद किसी डेड बॉडी के ऊपर देते हैं। और उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद उनकी मृत्यु हुई है क्योंकि उनकी जो पत्नी खुद नर्स है तो वो भली भांति जानती हैं इस तरह के मेडिकल जो पूरी सबसे बड़ा डाउट खुल ये है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है करोड़ों की फैक्ट्री होगी उसके अंदर जाने का कैमरे फुटेज है, आने की अंदर कोई नहीं है और उनके जो अच्छा स्थल आए थे अचानक ऐसी बड़ी चेंज होगी जो जो करना है कर लो रिपोर्ट से देख लीजिए कहीं ना कहीं दूर दिया करता है तो बड़ी चलो हमारे सहयोगी समय सुरजीत है, इन्हीं के जीजा है, बड़ी अनफॉर्चुनेटली जो है हादसा हुआ है। सुरजीत पूरी बात बताइए आप, इस समय आपका परिवार तो बड़ा, आपकी बहन भी शोक में है। मैं खुद मीडिया में काम करता हूँ, कल मैं कवरेज के लिए भगवती नगर में था तो मैं 2:30 बजे के करीब घर पहुँचा। जैसे मैं घर में पहुंचा तो मैंने खाना शाना खाया तो मैं ऐसे जैसे मैं बिस्तर पे सोने लगा तो मुझे फ़ोन आता है कि अंकल की डेथ हो गई है। मेरे बेटा बोलता है मुझे अंकल की डेथ हो गई है। मैंने कहा अंकल की डेथ हो गई है, कौन अंकल? बोलते संजीव। मैम मुझे कुछ नहीं मिला उस समय, मैं किस हालत में हॉस्पिटल में पहुँचा। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा देखे सभी रो रहे थे। जैसे मैं ICU में गया तो उन्होंने क्या कि डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने बॉडी के ऊपर कफन दे दिया था जो मरने के बाद देते हैं। हाँ कफन दे दिया था। मेरी बहन खुद नर्स है तो मेरी बहन, मैंने बहन को बुलाया, मैंने कहा इसकी पल्स चेक कर। उसने जैसे पल्स चेक की, पल्स इसकी चल रही थी, मतलब 45 मिनट बॉडी ऐसे पड़ी रही। अगर बेबी बच भी सकते थे, मतलब वो उस समय उनमें पल्स चल रही थी मगर डॉक्टर ने डेड कर दिया था उसे। मैंने डॉक्टर को बुलाया, जब डॉक्टर वहाँ पे आए, डॉक्टर ने उनकी जब पल्स चेक की तो उनका ECG किया। ECG में वो प्रूफ होने लगा कि इनकी अभी पल्स चल रही है। उन्होंने पहले किया ठीक था, दूसरी बार दोबारा किया फिर ठीक था, तीसरी बार जब किया फिर प्लेन हुआ। मतलब इसका मतलब सांसें चल रही थी, डॉक्टर की भी लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसे 45 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दिया, बहुत होते हैं जान भी बचा। मैम जिंदे जिंदे इंसान को कफन दे दिया, हमारा तो चले गया ना दर्द। हमें, मैं खुद मीडिया में काम करता हूँ, मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं जाऊँगा, बट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि नहीं जहाँ पर गलत हो तो जाने में क्या हर्ज है। मैं कल से SHO बड़ी ब्राह्मणा सुनील सर, मैंने उनको बोला कि सर मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मेरे जीजा की डेथ हुई है सर, कार्रवाई कीजिए। उन्होंने, मैंने कहा सर सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे से बॉडी यहाँ पे है, शाम के 5:30 हो रहे हैं, आपकी पुलिस यहाँ पे नहीं है सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मैं रजत जी को भेज रहा हूँ, SI रजत जी को, वो वहाँ पे आ रहे हैं। 6:30 बजे रजत जी यहाँ पे पहुँचते हैं, वो आश्वासन देते हैं कि हम करें कुछ कार्रवाई करेंगे। हमने बात की, वो चले गए। उसके बाद जो उन्होंने ऑनर ने अपने HR को भेजा, HR ने ये बोला कि मैं ऑनर से बात करवाता हूँ। कंपनी का नाम ही पूरा नहीं पता चल रहा है। मैम ब्रैंको कंपनी है कोई बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि ब्रैंको कंपनी बड़ी ब्राह्मणा में कौन सी है। फिर ऑनर ने मुझे ये, ऑनर की बात हुई, ऑनर ने ये बोला कि आप चिंता मत करो। मैंने कहा सर हमें आपसे मिलना है, बोल रहे कि
आप 1.5 लाख रुपए ले लो। हमने 1.5 लाख रुपए का करना मैडम, हमारा 1.5 लाख एक इंसान की कीमत 1.5 लाख रुपए लगा, इंसान वापस आ जाए, इंसान मर गया मगर उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए लगा दी इन्होंने। हमने कहा हमें कोई 1.5 लाख नहीं चाहिए, आप हमारे साथ एक बार मिलो कि जब यहाँ पे बंदा मर रहा आप क्यों नहीं आए यहाँ पे, आप क्यों नहीं आए यहाँ पे। ऑनर ने मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, ऑनर ने कहा मैं इधर आऊँगा, ऑनर ने कहा मैं इधर आऊँगा। अब आज सुबह से ऑनर बोल रहा है मैं अमित शाह की रैली आ रही है, मैं कहीं फंसा हूँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, लास्ट में कॉल करके बोल रहा है आपने जो करना कर लो, मैं कोर्ट में भुगत लूंगा। दादागिरी दिखा दी इस समय के लाइव दृश्य हम आपको बता रहे थे शिफ्ट टाइम के माध्यम से, यानी कि दादागिरी लोगों की लाशों पर भी, यानी उनकी जान जाने पर भी दादागिरी हो रही है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस समय डीआईजी साहब भी यहाँ पहुंचते हुए हैं, और देखिए यहाँ पर पहुंचते हुए इस मसले की गंभीरता को समझते हुए डीएचजी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। शायद लगता है कि मूवमेंट होगी तभी शक्ति पाथिक सर एक बड़े काबिल ऑफिसर हैं, चलिए जानते हैं इनसे भी क्या कहना चाहेंगे। इस तरह से इस समय रोड को जो ब्लॉक किया गया, और ऊपर से आज अमित शाह जी की यहाँ पर वो भी पहुँचने वाले हैं, यानी जम्मू में उनका आगमन है। कल से कोई पूछ नहीं रहा, ऊपर से उल्टी थ्रेटें मिल रही हैं परिवार को, जाओ जो करना कर लो, ये छोटा बच्चा है, ये वाइफ है, ये छोटा सा परिवार है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए आज मजबूरन हमें सड़क पे बैठना पड़ा। अदरवाइज कल शाम से आप हिसाब लगा लो कैसे इनकी रात गुजरी होगी। अब सुबह आते ही तो इनके कहते हैं जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय जो ये इन्होंने छिड़काव किया है बातों का, उससे कहीं ना कहीं आज मजबूर होकर हमें यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ा इंसाफ के लिए। कैसे बोलते हैं माँ बाप बच्चों को कैसे भेजते हैं, मेरा बच्चा क्या उनको अगर पुलिस यहाँ पर लगी रहेगी तो उसको ढूंढने कौन जाएगा, रोड यहीं पर है, उन्हें लगाना होगा दोबारा लगा सर। आप ऑनर को हम करेंगे ना, सर एक काम करते हैं, मैं रोड खाली करता हूँ, हम सभी चलते हैं पुलिस स्टेशन में, ऑनर वहाँ पे आते हैं। चलो सर कल से हम सभी वहाँ चलते हैं पुलिस स्टेशन में, ऑनर ऑनर जम्मू में। पहले रास्ता तो क्लियर करो ना, मैं हम सभी पुलिस स्टेशन एक बात है सर, मैं तब तक बॉडी नहीं लूंगा, मैं बॉडी नहीं लूंगा सर। मीनू सर ऑनर सर 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 मैं कह रहा हूँ अगर अरे मेरे बोला ना सर ये टाइम मांग रहे कि इन्होंने कहा कि हमें सर कितना टाइम दोगे ऑनर को, ऑनर हम रोड खाली कर सकते हैं। जी जी सर आप इन्हें एश्योरेंस दे रहे हैं कि कोई भी डील या कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं बरती जाएगी, क्यों बरती जाएगी? सुरजीत जी, सुरजीत जी सर, सुरजीत जी ये जी सर कह रहे हैं कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, पूरी जी क्यों बरती जाएगी? बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, हर हालत में चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो उसको जरूर पकड़ेंगे सर। हम डायरेक्ट हमें थ्रेट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम रोड का मालिक डायरेक्ट कल से हम पकड़ रहे हैं, जितना मर्जी मालिक हो, जितना बड़ा मर्जी मालिक हो, अगर उसने गुनाह किया है वो बिल्कुल जरूर आएगा, पुलिस के कब्जे में आएगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पुलिस इसी चीज को मेंटेन करने में लगी रहेगी तो कब पकड़ करके लाएगी, कैसे पकड़ करके लाएगी, आप ये भी समझिए, पक्का करें, पक्का करें। आप आश्वासन दे रहे हैं सर, तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत है सर, आप आश्वासन दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी से इस केस की तहकीकात होगी, हर हालत में होगी, हर हालत में आपने देखा डीआईजी शक्ति पाठक जी हैं, आपने देखा
हमने इनसे भी बात की, इन्होंने कहा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस केस की गहराई तक जाया जाएगा और जो मेन कल्प्रिट होगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो कितना रसूखदार हो, चाहे वो कितना भी फाइनेंशियल साउंड हो। इस समय के लाइव दृश्य आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बता रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर के, जहां पर हमने बताया आपको और डीजी पाठक सर ने भी आज इस समय आश्वासन दिया है कि नरमी और ढील नहीं बरती जाएगी। फिलहाल जिस घर का सदस्य है गया है, ये तकलीफ तो वो जानते हैं, वो दुख तो वो जानते हैं, आश्वासन तो हर कोई देता पर उन पर कितना खरा उतरते हैं ये तो वही जानते हैं। रोहित जी, डीजी साहब कहते हैं पूरी तरह से तहकीकात की जाएगी, जमीनी से अगर कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? अब डीआईजी साहब खुद आए हैं, अगर काश अगर ये थोड़ी हरकत में कल आगे होते तो आज ये मसला इतना रोड पे नहीं आता, जो क्लियर बात है। हमें किसी की चाटुकारी तो नहीं करनी है, इस परिवार ने बच्चा खोया, हमारा छोटा भाई है हमारे साथ, उसने समय बिताया हुआ है, हम समझ सकते हैं हमारे दिल पे क्या है। मजबूर होके कल से लेके आज तक मजबूर होके हमें सड़कों पर आना पड़ा, हॉस्पिटल की जवाबदेही कोई सुनिश्चित नहीं है, जिसका जो मन करता है, बंदे की पल्स चल रही है उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो रहा है। वहाँ पे जहाँ पे ये सारा हादसा हुआ वो जगह ना कोई सील की गई, पांच घंटे का टाइम लिया गया क्यों कि एविडेंस क्लियर कर दिए जाए। तो हम तो चाहते हैं कि जब तक हमें आश्वासन रिटर्न में नहीं मिलता बच्चे की फ्यूचर के लिए, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जो आश्वासन दिया आप उनको, मैं कहता हूँ जब तक हमें रिटर्न आश्वासन नहीं मिला, हमने भी जम्मू में बड़े आंदोलन और बड़ा कुछ ऐसा देखा है, बाद में लिपापोती हो जाती है, बड़े छोटे बच्चे की बात है, रिटर्न में जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से हम उठने वाले। आप देख रहे हैं बच्चा छोटा ये भी रो रहा है अपने पिता के लिए, पापा की याद आ रही है, क्यों रो रहे बच्चे, क्यों रो रहे बेटा, मुनानी बेटा मुनानी पूरी शक्ल इसके संजीव पे पूरी शक्ल है। आप देख रहे हैं छोटा बच्चा संजीव बनोत्रा, ये इतनी समय तो है कि इसके हुआ क्या आखिर, माँ बाप को जोत मात को देखते हुए क्या इसके पिता को वापस ला कर वापस आ जाए, आपका मेरा बेटा है बोलता आ जाएंगे पापा, आप दादी चुप हो जाओ, मेरे हाथ पकड़ ऐसे बोलता दादी नहीं रो पापा आ जाएंगे, अभी बोलता याद आ रही है पापा की याद आ रही है। उठो 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 तो भी उठो ना, उठा आओ मेरे कने, चलो चलो मेरे कने, मैं तुझे करना करना, उठो देखो मैं तुम्हें कहा मैं तुझे करना, तुझे सामने होना सारा कुछ, मैं मेरे मेरे अफसरें कने भी गल हुई, सारे कने हुई गल, देखो ये बेहे कुछ नहीं, बेहे हल थोड़े निकलता माता, बेहे हल नहीं निकलना, मेरी गल सुन, बेहे कोई हल निकलना, अस तुझे करने नहीं, होता है उठो उठो तो मेरी गल सुन, तो चलो मैं तुंदे करना ना, अस भी तुंदे कोल अलग थोड़ा तुंदे पुत्तरां करा, चलो मैं अस समझने तुंदी गल, उठो मेरा बच्चा चलिया मैं तुम्हें क्या कहा ओ दो बच्चे के चलिया अस तुंदे करना, मैं तो मेरी मेरी गल होई उंदे नाल, आओ तो मेरे कने चलो, इसमें कहा
कहा जा रहा कि हमें भरोसा नहीं है, रिटर्न में जब तक नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं हटने वाले। एक सदस्य, एक परिवार के सदस्य की जान गई है। हेलो जी, जी भैया और डीआईजी जो थे शक्ति पाठक जी, वो दूसरी गाड़ी में अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ा और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो निकल गए। और देखिए समय काफी लंबा जो जाम लगा हुआ है, क्योंकि किसी के घर की का सदस्य गया है, कोई मामूली बात नहीं है। उस बच्चे को पता होगा या उस पत्नी को जिसने अपना पति खोया, उस माता पिता को जिन्होंने अपना बेटा खोया। फिलहाल डीआईजी जो यहाँ पर आए थे वो दूसरी गाड़ी में बैठकर निकले, उनकी अपनी गाड़ी वहीं फंसी हुई है। मतलब अपने आपको बचा कर भागे, जवाब ना देना पड़ेगी ना मोस्टली ही होता नहीं, वो हमारा काम है तो वो तो हम दिखा रहे कि चले गए का मतलब पता चल ही गया होगा। जनता समझदार है, हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है, ठीक है ना, हमने भी तो उसी तरह से बताना। पुलिस को पावर है ना, विद इन हावर एक घंटे का टाइम है सर, अरेस्ट करो एक घंटे। अगर ये सर एक मिनट अगर ये संतुष्ट होते तो यहाँ पहुँचते क्या? रोड बना रखो, मेरी गल सुनो, मेरी गल होती यार, मेरी गल सुनो, मैं तुम्हें क्या, जो करना करी लो, मेनू करना समय के आपने आपको पूरे लाइव दृश्य बताया कि परिजन कह रहे हैं उनको, जिनकी फैक्ट्री में वो व्यक्ति काम करता था, जिसका 33 वर्ष जिसकी उम्र थी, वो इस समय उनका कहना है कि वो काम कर रहे थे, बुर्सी के चलते काम के दौरान उसकी यानी किसी घटना के चलते वहां पर उनकी जान चली गई। और उसके बाद बड़ा जो यहां पर कारनामा हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जब वहां पर लाते हैं आधे घंटे तक उसकी पल्स चलती रहती है, पर वो डेड डिक्लेयर कर देते हैं, ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी लापरवाही वहां से लेकर यहां तक लापरवाही है। और परिजन कह रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि पता तो चले आखिर मौत किन कारणों से हुई, क्योंकि जो अगर बात करें ऑनर की, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी इनसे आकर अपनी संवेदना जताते, इनका हालचाल पूछते, आखिर इनके दुख में शरीक होते, पर वो उस समय से ही गायब है और कह रहे हैं जाओ करना है जो कर लो। यानी एक तो एक सदस्य के, एक परिवार के सदस्य की जान गई और ऊपर से जनाब आप दादागिरी दिखाते हैं। चलिए देखते हैं पुलिस किस तरह से अपनी कार्रवाई करती है, अगर पुलिस ने वहां कार्रवाई की होती तो ये लोग यहां पर प्रदर्शन ना कर रहे होते। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रही है हमारे अगले अपडेट के लिए, जय हिंद जवान।